हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रभा क्लासेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड जिसे आप शॉर्ट में सीपीसी भी कहते हैं देखिए सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये क्या है हमारा ये एक प्रोसीजरल लॉ है जो कि रिलेट करता है सिविल प्रोसीडिंग्स को जो भी इंडिया में की जाती हैं the code is divided into two parts the first is containing sections and ki 158 sections hai jo hamara cpc hai ye two parts mein divide hai first mein jo first part hai usme section diye gaye hain and the second part is first schedule which has 51 order and rules और जो second part है हमारे CPC का उसमें 51 orders दिए गए हैं Next हमारा extend एंड एप्लीकेशन जो सिविल प्रोसीजर कोड है हमारा वो 1908 में पास हुआ और जो इनफोर्स में आया वो फर्स्ट जनवरी 1909 में आया ये जो हमारा कोड है यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड ये एप्लीकेबल है होल कंट्री में एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज अब जो पहले था जब 370 एप्लीकेबल होती थी तो तब ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था लेकिन जब से 370 जो है हटाई गई है उसके बाद से ये होल कंट्री में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट नागालैंड स्टेट और ट्राइबल एरियाज़ में बट देर इज ऑल्सो अ प्रोविजन दैट द कंसर्न स्टेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड लेकिन जो हमारे ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज है इसमें जो उस स्टेट की गवर्नमेंट है वो सीपीसी uh, से रिलेटेड प्रोविजन अप्लाई कर सकती है अपने स्टेट में चाहे वो स्टेट नागालैंड हो या ट्राइबल एरियाज हो किसके द्वारा ऑफिशियल गजट पास करके यानी कि एक नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गजट में प्रोसीजरल लॉ पीछे हमने देखा कि सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है अब ये प्रोसीजरल लॉ होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं देखिए जो प्रोसीजरल लॉ है उसको एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है और ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है जर्नली जो प्रोसीजर लॉ है वो क्या है जो आपके राइट और लाइबिलिटीज होते हैं उनको आप कैसे इन्फोर्स कराओगे किस प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे उस म, किस मशीनरी यानी कि किसके पास आप अपने राइट्स और लाइबिलिटीज को इनफोर्स कराने के लिए जाएंगे वो उस सारे मैनर्स को प्रिस्क्राइब करता है कौन प्रोसीजर लॉ अदरवर्ड अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में तो प्रोसीजर लॉ क्या है कि जो राइट और आपके जो रूल्स दिए हुए हैं सब्सटेंटिव लॉ में उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको राइट्स और लाइबिलिटीज मिले हुए हैं उनको आप कैसे इन्फोर्स कराएंगे उसका प्रोसीजर जो है प्रोसीजर लॉ बताता है फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 आपका प्रोसीजरल लॉ ही कहलाया जाता है सेकेंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भी आपका प्रोसीजरल लॉ कहलाया जाता है सिविल प्रोसीजर यानी कि जो सिविल से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं उसको जो प्रोसेस बताता है उसका प्रोसेस बताता है सिविल प्रोसीजर और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर बताता है वो बताता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर को जिसे सीआरपीसी भी कहा जाता है नेक्स्ट सब्सटेंटिव लॉ पीछे सब्सटेंटिव लॉ का नाम आया है तो सब्सटेंटिव लॉ को भी समझ लेते हैं ये क्या होता है देखिए सब्सटेंटिव लॉ क्या है ये बेस्ड होता है एक स्टेट्यूरी या कॉमन लॉ में जिसको डिफाइन किया जाता है कि व्हाट फैक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ राइट और लाइबिलिटी कि किस तरह के फैक्ट यानी कि किस तरह के तथ्य या किस तरह के कार्य बनाते हैं एक राइट right या क्रिएट करते हैं एक राइट और लाइबिलिटी तो जो आपके वो फैक्ट होते हैं किन किन चीजों को हम राइट right मानेंगे किन किन फैक्ट्स को हम लाइबिलिटीज मानेंगे ये उसका से इन अदर वर्ड्स अगर हम कहना चाहें तो सब्सटेंटिव लॉ क्या है जो डिफाइन करता है वेरियस प्रिंसिपल रिगार्डिंग द राइट एंड लाइबिलिटीज जो आपकी राइट right और लाइबिलिटीज हैं उनके रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल बनाता है वही आपका क्या कहलाता है सब्सटेंटिव लॉ फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब्सटैंडिव लॉ के एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका आई पी सी एटीन सिक्सटी विस्क्राइब वेरियस ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर क्रिमिनल एक्ट जो कि बताता है कि कौन कौन से जो ऑफेंस हैं वो पनिशेबल होते हैं दूसरा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हिन्दू लॉ है मुस्लिम लॉ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट है और टॉट और एक्सेट्रा और भी आपके हो सकते हैं ये सारे आपके क्या हैं ये सबस्टेंटिव लॉ है क्योंकि ये आपके क्या बताते हैं कहीं ना कहीं आपकी राइट बताते हैं कहीं कहीं ना आपकी लाइबिलिटीज भी बताते हैं तो अब ये यहाँ पे है कि अगर आईपीसी के रिगार्डिंग कोई क्राइम होता है ऑफेंस अगर हो रहा है तो उसके लिए रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा तो वो उसका प्रोसीजर जो प्रोसीजर लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोट सी उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा वहीं अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ सेल्स ऑफ गुड एक्ट पार्टनरशिप के रिगार्डिंग अगर कोई मैटर है तो वो आपका सिविल से रिलेटेड होगा तो वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा इन शॉर्ट जो आपका सब्सटेंटिव लॉ है वो आपकी राइट और लाइबिलिटीज बताता है और जो आपका प्रोसीजर लॉ है उन राइट और लाइबिलिटीज को कैसे एनफोर्स कराया जाएगा उसका क्या प्रोसीजर होगा किस मशीनरी के पास आपको जाना होगा एनफोर्स कराने के लिए वो आपका बताता है प्रोसीजर लॉ देखिए जैसे हम सीपीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हम इंपोर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे डिग्री इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सीपीसी सेक्शन टू क्लस टू में इसकी डेफिनेशन दी गई है डिग्री क्या है डिग्री मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन डिग्री एक फॉर्मल यानी कि औपचारिक अभिव्यक्ति है किसी एडजुडिकेशन की यानी कि किसी जजमेंट की जो की किसी ऐसे कोर्ट से संबंधित है जो कि कंक्लूसिवली डाटा जो कंक्लूसिवली निश्चयात्मक रूप से यानी कि फाइनली रूप से डाटामाइन करता है राइट ऑफ द पार्टीज जो पार्टीज होती है उनके राइट को विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट जो भी सूट है उसमें जो भी कंट्रोवर्सली मैटर है उनमें से या तो वो सभी को डाटामाइन करता है कंक्लूसिवली या उनमें से किन्ही को करता है एंड में बी आदर अल और ये कैसी हो सकती है आपकी प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है इट शैल बी डी टू इन रिजेक्शन जिसे ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में बताया गया है उसके द्वारा दिया गया जो डेटर्मिनेशन है राइट का वो भी आपका क्या आएगा डीम डिग्री में आएगा बट उसे क्या कहेंगे डीम डिग्री एंड द डेटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विदिन सेक्शन वन फोर्टी फोर और किन्नी ऐसे प्रश्नों का क्या है डेटर्मिनेशन अवधारण है जो कि सेक्शन वन फोर्टी फोर में दिया गया है सेक्शन वन फोर्टी फोर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर एंस्टिट्यूशन के बारे में बताती है इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो एप्लीकेशन फॉर एंस्टिट्यूशन है जहां पर जब दो पार्टीज होती है उनमें डिस्प्यूट होता है फाइनली जो कोर्ट होता है उनके डिस्प्यूट को डाटामाइंड करने के बाद किसी पार्टी के फेवर में डिग्री पास कर देता है जो आपका डिफेंडेंट होता है वो अपील करता है।, अब मान कि जो अपील है, उसमें जो है उसको क्या कर दिया गया है या तो उसमें कुछ चेंज कर दिया गया है या डिसीजन को पलट दिया गया है तो जो अपील का डिग्री होल्डर है वो एक एप्लीकेशन लगाएगा एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन कोर्ट में कि वह जो पहली डिग्री में चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो या फिर किसी मनी से रिलेटेड हो डिफेंडेंट ने खो दी थी यानी कि अब जो अपील में जो डिग्री होल्डर है उसने खो दी थी वो उसे वापस दिलाई जाए जिससे उसे वंचित कर दिया गया था क्योंकि जो अब फाइनल डिग्री यानी कि जो अपीली जो डिग्री आई है वो डिफेंडेंट के फेवर में आई है तो रेस्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापना का आवेदन जो हमारी एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो कॉमन लॉ के जो आपका प्रतिस्थापना का सिद्धांत है जो कि कॉमन लॉ से लिया गया है इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो अनजस्ट अनरीचमेंट यानी कि अन्यायोचित लाभ के विरुद्ध एक आपकी रेमेडी बताता है देखिए वर्ड आ रहा है सूट यानी कि वाद जो आपका सूट वर्ड यानी कि वाद शब्द है उसे सीपीसी में कहीं अलग से डिफाइन नहीं किया गया है बल्कि जो आपका केस है हंस गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ड्राम कंपनी लिमिटेड 1935 में प्रीवी काउंसिल ने इसको डिफाइन किया गया क्या कहा था प्रीवी काउंसिल ने द वर्ड सूट ऑर्डिनरी मीन्स के जो वर्ड सूट है यानी कि जो वाद शब्द है उसका सामान्य अर्थ है और उसका अर्थ लगाया जाना चाहिए प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेट ऐसी दीवानी कार्यवाही से है जो वाद पत्र यानी कि प्लेन फाइल करके की जाती है यानी कि अगर आपने किसी सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की है फाइल की है किसके तौर पर प्लेंट एक वाद पत्र के द्वारा तो ऐसी कार्यवाही जो प्लेंट के थ्रू स्टार्ट होती है वो आपकी कहलाती है सूट बट इस केस में जो डेफिनेशन दी है सूट की उसको इनकम्प्लीट माना गया क्योंकि सिविल में ऐसे भी मैटर हैं जिसमें की प्लेंट फाइल नहीं की जाती फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9, 10, 11 और 13 के अंदर जो भी कार्रवाई होती हैं, वो एप्लीकेशन के थ्रू होती हैं, प्रोबेट की कार्यवाही होती हैं और लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो होती हैं उसमें एप्लीकेशन दायर की जाती है अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं देखिए एक घर है और प्रॉपर्टी है एक पर्सन की इसमें के ये प्लैंड है और ये है हमारे डिफेंडेंट अब इनमें जो डिस्प्यूट है वो एक प्रॉपर्टी को लेकर है कि ये प्रॉपर्टी कहते हैं प्लेटिव कि ये मेरी है और इन्होंने अनफेयर पोजेशन किया हुआ है इसपे और ये डिफेंडेंट है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो इश्यूज़ कहाँ के जो आपका कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ जैसे ही इन्होंने कहा कि इस जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है और इन्होंने कहा कि नहीं ये आपकी नहीं है ये मेरी है तो यही उसी दिन से ही आपका कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया जब कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया है तो यहाँ पे प्लेटिव जो है एक प्लेंट फाइल करता है वो रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी स्टार्ट होती है उसके बाद प्रोडक्शन एंड एडमिशन और डिनाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं उसके बाद फ्रेमिंग इश्यूज इश्यूज यानी कि फ्रेम होते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन होती है और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है की, जिसमें जहां, जहां तक आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं बिफोर जजमेंट कोर्ट बीच बीच में कई ऑर्डर भी पास करता रहता है जिससे जो प्रोसीडिंग है वो स्मूथली चलती रहे अब चाहे उसमें एजर्नमेंट ऑर्डर हो या डिफेंडेंट को कह देगा कि आप शायद छोड़ के नहीं जाएंगे यानी कि ऐसे कोई भी आदेश जो की प्रोसीडिंग में आपके क्या हो फेवरेबल हो तो वो कहलाते हैं आपके ऑर्डर वही जब सारी प्रोसीडिंग फाइनल हो गई है आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया है मीन्स जब जो कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ था क्या क्या इश्यूज हुए थे फैक्ट क्या थे आपके केस के क्या क्या विटनेसेस ने अपनी एग्जामिनेशन के थ्रू गवाही दी है वो यानी कि जो भी जब से स्टार्ट हुई थी और रास्ट तक जो भी राइट्स uh, बनते थे प्लेंटिव के और जो डिफेंडेंट ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए थे उन सबको डाटामाइंड करके सबको मेंशन करने के बाद आपका वो जजमेंट क्रिएट करता है अब क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग है अब इसको क्या कराना होगा इसे एनफोर्स कराना होगा यानी कि इसका एग्जीक्यूशन कराना होगा अब जो जजमेंट होता है वो चार या पांच पेजेस का तो नहीं होता है 500, हजार बारह सो इतने पेजेस तक आपका पूरा जजमेंट हो सकता है अभी अयोध्या का ही मैटर ले लीजिए वन हंड्रेड फोर्टी फाइव पेजेस का डिसीजन था तो उसके लिए एक जो आप हम कहें एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें जो पार्टीज होती हैं उन्हें क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड की गई है उनके क्या क्या राइट्स हैं यानी कि दो से तीन या चार पेजेस में वो पूरा जो जजमेंट होता है उसका क्या होती है समरी टाइप से होती है कि अब क्या है कि आप इस डिग्री को क्या करवा सकते हो उसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हो अब जिसके पास भी डिग्री जाएगी नॉर्मल सी बात है इतना बड़े जजमेंट को लेकर तो ना किसी के पास इतना टाइम होता है कि पूरे जजमेंट को बैठ के पढ़े उसके बाद में देखा कि हाँ ये चीज है चलो अब कराते हैं इसका एग्जीक्यूशन तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराया जाता है जिसमें पार्टीज की राइट्स होते हैं उसको क्या क्या प्रोवाइड कराई गई है गए, ये के तर, वो सारी चीजें होती हैं तो वो आपकी कहलाती है डिक्री तो फाइनली ये था आपका ऑर्डर जजमेंट एंड डिक्री नेक्स्ट हम अपने डेफिनेशन को आगे स्टार्ट करते हैं बट शेल नॉट इंक्लूड अब हमने पीछे देखा कि डिक्री में क्या क्या इंक्लूड करता है तो डीम डिक्री में हमने ऑर्डर सेवन रूल इलेवन देखा ठीक है और सेक्शन वन फोर्टी फोर एप्लीकेशन फॉर रास्ट्रीशन देख लिया कि वो क्या है डीम डिग्री मानी जाती है अब बात आ रही है कि क्या डिग्री में इंक्लूड नहीं है तो एंड एजुडिकेशन फ्रॉम विच एंडील लाइज एंड अपील फ्रॉम एन ऑर्डर मीन्स ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की तरह की जाएगी और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिस फॉर डिफॉल्ट डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट मीन्स व्यतिक्रम के लिए खारिज करने वाला आदेश को भी डिग्री की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का मतलब यह है कि अगर समन की तामील या फिर जो भी समन की तामील करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं या फीस होती है वो उसको सबमिट करने में फेल हो गया हो तब कोर्ट जो है ऑर्डर दे देता है वहीं दूसरी तरफ अगर दोनों पार्टी हैं और वो बार बार कॉल करने के बाद भी जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हो रही हैं तो वहां पे भी डिसमिसल ऑर्डर कोर्ट दे सकता है या फिर जहां पर जो डिफेंडेंट है सिर्फ वो अपीयर हो रहा है और जो प्लेटिव है जिसने प्लेट फाइल करी थी वो ही अपीयर नहीं हो रहा है बार बार तो वहां पे भी रिस ऑर्डर आ जाते हैं अब यहाँ पर जो हमारी डिग्री है वो ये कहती है कि क्या है कंक्लूसिव डेटमिनेशन है ऑफ राइट ऑफ द पार्टीज कि जो पार्टीज हैं उनके राइट right का दोनों को सुन लिया गया है और फाइनली जो है जजमेंट दे दिया गया है तो वो डिग्री मानी जाएगी अब यहां पर जब डिसमिस कर दिया गया है पहले ही तो नॉर्मल सी बात है कि वो डिग्री तो वैसे भी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो उनके राइट right को डेटमाइन नहीं किया गया था नेक्स्ट इसकी एक एक्सप्लेनेशन आती है क्या कहती है एक्सप्लेनेशन आर डिग्री इज प्लिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं और उसमें जो प्लेंटिव है वो क्लेम करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि इसने मेरा जो लैंड है उस पे भी अपना पोजेशन किया हुआ है उससे प्रॉफिट भी कमा रहा है और हो सकता है कि उसने ये भी कहा कि मुझसे पैसे भी उसने उधार लिए हुए हैं और वो भी मुझे नहीं दे रहा है काफी टाइम से वहीं पे जैसे ही मैंने भी बताया कि जब कई सारे इश्यूज होते हैं अब ये जो मैंने इश्यूज बताए हैं अगर इनमें से किसी एक इशू पे मान लीजिए जो कोर्ट है वो ये डाटामाइन करते हैं कि जो पजेशन है वो प्लेंटिव को दे दिया जाए तो यहाँ पे जो पजेशन वाला मैटर था उसको तो फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया है जबकि बाकी के जो इश्यूज हैं वो अभी उन पे चल रही है प्रोसीडिंग तो यहाँ पे जिस इशू को फाइनली डिटरमाइन कर दिया है कोर्ट ने वो आपका कहलाएगा प्रीलिमिनरी डिग्री यही है, जो एक्सप्लेनेशन है यही कह रही है कि अ डिग्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ यानी कि जो सूट है अभी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं की गई है और उससे पहले ही प्रोसीडिंग के दौरान जो कोर्ट है उसने डिग्री पास करी है तो वो आपकी कहलाएगी प्रिमिनरी डिग्री वही इट इज फाइनल और ये फाइनल कब होती है वह सच एजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट जब जो बाकी के इश्यूज थे उनको भी सबको डेटरमाइन कर दिया जाता है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है तो फाइनली जैसे कि मैंने अभी बताया कि पोजिशन तो दिलवा दिया कोर्ट ने उसके बाद क्या है कि अब जो पैसा लिया हुआ था ठीक है उसने या फिर जो उसने प्रॉफिट उससे गेन किया था ये सारे जो मैटर्स थे अगर जब लास्ट में इनका भी जो है फाइनली डिसीजन दे दिया जाता है तो वो आपकी कहलाती है फाइनल डिग्री और और इट अब essential अगर हम देखें, एक बार हमारा हो जाएगा, जो है हमारी कि there must be an adjudication, कि जो हमारी डिग्री है उसमें एडजुडिकेशन होना चाहिए यानी कि एक जजमेंट होना चाहिए सच एडजुडिकेशन मस्ट कि जो हमारा एडजुडिकेशन हो रहा है यानी कि जो जजमेंट आ रहा है वो किसके थ्रू एक सूट फाइल की गई थी और सूट के ऊपर डिसीजन आया है कोर्ट का इट मस्ट हैव द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट के जो कोर्ट उसने जो पार्टीज हैं उनके राइट right को फाइनली क्या कर दिया हो डेटामाइन कर दिया हो या तो उसमें से उसके कुछ पार्ट को किया हो फाइनली या फिर आपके सारे पार्ट को यानी कि जैसे अभी हमने प्राइमरी डिग्री देखी थी और फाइनल देखी थी तो वो यही कह रहा है या तो सभी को या उनमें से कुछ मैटर्स को क्या कर दिया हो फाइनली डेटामाइन कर दिया हो नेक्स्ट सच डेटमिनेशन मस्ट बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर कंक्लूसिव नेचर यानी कि निश्चयात्मक प्रगति का होना चाहिए यानी कि जो डिसीजन दिया जा रहा है कोर्ट के थ्रू वो क्या होना चाहिए फाइनल होना चाहिए और उसके बाद जो आपका केस चल रहा है उसे क्लोज कर देना चाहिए तो फाइनली यानी कि, कि अगर कोर्ट ऐसा करे कि अः उसने कुछ जो इश्यूज थे वो डेटामाइन करने के बाद कह दिया कि जो अदर कोर्ट है लोअर कोर्ट है वो बाकी के देखेगा तो वहां पे क्या किया उसने कंप्लीटली उसको क्या नहीं किया है उसको क्लोज नहीं किया है तो इसमें ये कह रहा है कि सच डेटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर कि ये क्या होनी चाहिए निश्चात्मक प्रकृति की होनी चाहिए कि इसके बाद अब इसके ऊपर कुछ भी मैटर नहीं है अब ये क्लोज कर दिया जाता है फाइनल डिसीजन दे दिया गया है देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडुटिकेशन फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी कि जो भी राइट डाइन किए गए हैं पार्टीज के वो क्या होने चाहिए एक्सप्रेस मूड में होने चाहिए यानी कि वो मैंशन होने चाहिए फॉर्मल एक्सप्रेशन होने चाहिए कि ये जजमेंट दिया गया है इस जो सूट है इससे रिलेटेड एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आईकन ऑल्सो टेक केयर बाय बाय